करपी प्रखंड के 7 विकलांगों का नहीं बना आज तक विकलांग प्रमाण पत्र। विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण इन लोगों को सरकारी सुविधाओं से होना पड़ रहा है वंचित। जट्टू पासवान को हो रही है इलाज में काफी परेशानी। तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि थ्रेसर ने हाथ कट दिया, आने के पहले गेहूँ था जो खींच लिया। तो इसका इलाज कराए थे उस समय कहाँ? जी पटना पीएम सामने में। तो अभी आपको और क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि रड नहीं निकला है, परेशानी है। तो रड क्यों नहीं निकलवाए आप? पैसा गरीब अमीर से जी नहीं जुट रहा है। और भी कुछ दिक्कत है? दिक्कत ये है कि स्कूल ने फोटो खींचा, कागज बनल, अस्पताल ने फिर जी आल करती, वो नहीं बना। क्या नहीं दौड़ के दे तो कह दिया कि नहीं है, भुला दिया। पोलियो मार दलक। अच्छा, पोलियो मारलन तो देखावे सुनावे से तो सही किया ढंग पर आ गलन, मगर अभी भी हाथ से कम उठा उठा है कोई चीज उठावा था। अच्छा, विकलांग के ऐसा था था। अच्छा। दूसरे ने कि फरका ऐसा भी आवा है तो मनो दूर के गिर जा था, गिरला के बाद में 2-4 घंटा के बाद होश नहीं आवा था ठीक से। और बाद में दिमागे नहीं तो पढ़े लिखे जेबे न कर रहा था, ने दूर दूर अरवल गेले हली मगर कुछ काम ना होला। किस लिए अरवल गई थी? इनका विकलांग के अथी बना रहे तो काम नहीं हुआ ना, काम ना। परेशानी है बहुत, परेशानी के लिए बोलता है तो बहुत साल जो लड़का विकलांग सर्टिफिकेट बन गया इसका अभी तक बना नहीं है। तो हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो विकलांग सर्टिफिकेट का है जो इसका अभी तक नहीं बना है। दो बार गए, एक बार करती भी गए तो बहुत भीड़ था, लौट आए और जिला में भी गए, वहाँ तक नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ लोग बोले पता नहीं सिविल सर्जन तक पहुँचे कि नहीं से होगा तब खबर करेंगे आपको, खबर मिल जाएगी। हम और हमारा समुदाय यह मांग करता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर हॉस्पिटल इंचार्ज श्री वसुदेव प्रसाद जी के मोबाइल नंबर 99-344-63-398 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इन विकलांग लोगों का विकलांग प्रमाण पत्र बन सके। मैं एसएम जफर इकबाल, ग्राम करपी, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहट के लिए।